टीएस वक्फ बोर्ड एम्प्लॉय इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस मोइनुद्दीन वक्फ रंगारेड्डी का ड्यूटी पर खल्क पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। मोहम्मद गौस रंगारेड्डी के इंस्पेक्टर थे और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के फ़राइज़ की अंजामदही के लिए दफ्तर में मसरूफ थे। इनके खल्क पर शदीद हमले के बाद गिर पड़े। दिगर मुलाजिमी ने इन्हें फौरी तौर पर नामपल्ली केयर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहाँ डॉक्टर्स ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी, जिसके बाद नाश को वापस हज हाउस लाया गया, जहाँ पर स्टाफ के अराकीन ने मरहूम का आखिरी दीदार किया। दीदार करने वालों में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्ला खान, CEO शाहनवाज कासिम, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसाक, DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन के अलावा वक्फ बोर्ड मेंबर्स जाकिर हुसैन जावेद और बंदगी पाशा वक्फ बोर्ड मेंबर भी मौजूद थे। मरहूम की बॉडी को एम्बुलेंस के जरिए इनके आबाई मुकाम महबूब नगर मुंतकिल कर दिया गया। बख्शाइश ऐसा हो जाती है साहब, कोई एक नेकी आड़े आ गई, अल्लाह मगफरत फरमा, अल्लाह इनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। मैंने सिरातुल मुस्तकीम पे चला, उनसे सही काम ले लेना, गुनाह खबीरा सगीरा सब अल्लाह माफ़ फरमा, बच्चों का अल्लाह देख नसीबा फरमा, जो अमन है जो जुमे की शब मिलेंगी, तदफीन आज भी हो या कल भी हो, अल्लाह ताला गौस पाक का गौस पाक की नस्बत से नाम है गौस, ऐसा लाज रख लेता, मगफरत के लिए बहाना चाहिए अल्लाह। जो जो जाना चाह रहे जितने गाड़े हैं ऑफिस के लेके चले आइए, जो जो पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ है कोई मुश्किल है, कल से काम पे उतरिए। اللهم اغفر له وارحمه واسكنه واسكنه الجنة اللهم اغفر له وارحمه واسكنه جنات الفردوس सारे लोगों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मौलाना की मगफिरत फरमा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संत हमारे को कबूल फरमा, सिलाने के लिए।